हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी हरियाणा के 10वीं 12वीं या फिर कॉलेज के स्टूडेंट हो, फिर से ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा। 10वीं के हो चाहे 12वीं के हो चाहे कॉलेज के स्टूडेंट हो, सबको ये जो है 8 से 12 हज़ार रुपये मिल सकते हैं, जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कुछ नहीं करना, फॉर्म भरना है। एक स्कॉलरशिप आई है, BR अंबेडकर स्कॉलरशिप। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें नेशनल स्कॉलरशिप के बारे में बताया था, जो कि सिर्फ 12वीं वाले भर सकते हैं, तो 12वीं वाले वो भी देख लेना। लेकिन आज की वीडियो 10वीं 12वीं कॉलेज सबके लिए है। यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हो, डॉक्टर अंबेडकर योजना में विद्यार्थियों को मिलेंगे 8 से 12 हज़ार की राशि, यानी कि 8 हज़ार से लेकर 12 हज़ार रुपये आपको साल के मिल सकते हैं इस स्कॉलरशिप में। कैसे क्या है, कब फॉर्म निकल रहे हैं, कब तक लास्ट डेट है, कैसे फॉर्म भरना है, सब कुछ बताऊँगा। एक एक स्टेप वाइज वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन फॉर्म भर सकता है, फिर बात करेंगे कितने पैसे मिलेंगे, किसको मिलेंगे, फिर बात करते हैं कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, फिर बात करते हैं कि आपके जो है क्या क्या गलतियां नहीं करनी है ताकि आपको जो है कोई दिक्कत ना आए आगे फॉर्म भरने में। इसके बाद लास्ट में फॉर्म कैसे भरना है वो भी बताऊँगा। तो देखो यार, ये जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कॉलरशिप है, ये इसका नाम है। इसमें जो है कैसे कैसे आपको पैसे मिलते हैं, क्या क्या शर्तें हैं वो सुन लीजिए। सबसे पहले आप हरियाणा के स्थायी निवासी होने चाहिए, यानी कि आप हरियाणा से होने चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे कुछ लोग होते हैं बिहार के, यूपी के, जो हरियाणा में रहते हैं तो उनको नहीं मिलेगी, हरियाणा के ही होने चाहिए। इसके बाद आपके घर की आय जो है 4 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 4 लाख से ज़्यादा है तो नहीं मिलेगी, 4 लाख से कम होनी चाहिए। इसके अलावा जो है ये यहाँ पर अब तो सभी कैटेगरीज़ को मिलने लग गई, पहले जो है सिर्फ कुछ कैटेगरीज़ को मिलती थी। इसके अलावा ये मेरिट के आधार पर आपको मिलती है, यानी कि आपकी 10वीं 12वीं और कॉलेज की परसेंटेज के बेस पे मिलती है। अब इसमें मिलता क्या है वो सुन लीजिए। मैट्रिक अथवा 10+2 अथवा स्नातक कक्षाओं में अंक प्राप्त करने वाले और उच्चतर कक्षाओं में दाखिला लेने वाले सभी जो है यहाँ पर अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, विमंतु, घुमंतु सभी जो हैं उनको 8 हज़ार से लेकर 12 हज़ार रुपये उपलब्ध हैं। यानी कि सिंपल भाषा में कहूँ, आसान भाषा में समझाऊँ तो 8 हज़ार से लेकर 12 हज़ार, यानी कि 8 हज़ार, 9 हज़ार, 10 हज़ार, 11, 12 ऐसे अलग अलग मिलते हैं। किसी को 8 मिले, किसी को 12, किसी को 10, समझ गए। अब कैसे मिलते हैं वो भी सुन लो। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज मिलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे SC ST कैटेगरी से हो अगर तुम लोग, ठीक है, 10th में हो, अर्बन और रूरल, समझते हो। अर्बन मतलब होता है कि भाई यहाँ पर जो है तुम शहर से हो, और रूरल मतलब होता है कि तुम गांव से हो, ठीक है। हिंदी में भी देख सकते हो, मैं हिंदी में भी लगा देता हूँ, तुम लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हो। तो आपको जो है 70% या 60% है तो 8 हज़ार मिलेंगे। ऐसे 12th में हो तो 8, 9 या फिर 10 हज़ार भी मिल सकते हैं। ऐसे अगर ग्रेजुएशन में हो तो 9 हज़ार से 12 हज़ार मिलेंगे। इसके अलावा BCA हो, BCB हो, OBC हो या फिर जर्नल हो, जर्नल वालों को भी मिलती है लेकिन सिर्फ 10th बेस पे, तो फिर आपको 8 हज़ार रुपये मिलेंगे, यहाँ पर देख सकते हो। और आसान भाषा में समझाऊँ, इससे तो तुम कन्फ्यूज़ हो रहे हो, आसान भाषा में समझो। 10th क्लास में हो भाई, अगर शहर से हो तो 70% चाहिए, 8 हज़ार मिल जाएंगे। गाँव से हो 60% चाहिए, 8 हज़ार मिल जाएंगे, समझ गए 10वीं वाले। ऐसे 12वीं वाले हो, शहर से हो 75% चाहिए, गांव से हो 70% चाहिए, 8 हज़ार मिल जाएंगे। ऐसे ग्रेजुएशन में हो, शहर से हो 70% चाहिए, गांव से हो 60% चाहिए, 8 हज़ार मिल जाएंगे। ऐसे अलग अलग यहां पर जो है आपको 8 हज़ार से 12 हज़ार रुपये तक मिलते हैं, समझ गए पैसे, ठीक है। और भाई कितने भी मिलो, फ्री में जो है यहां पर 1 रुपया भी मिलो तो अच्छा रहता है, ठीक है। और ये फ्री के नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत है, जो तुमने मेहनत की है नंबर लाने में, उसकी स्कॉलरशिप है भाई ये, ठीक है, समझ गए। तो अब यहाँ पर आपने देख लिया, समझ में आ गया, फिर से समझाऊँ। 10वीं में हो तो आप ये मान के चलो गांव से 60, शहर से 70, 8 हज़ार मिल जाएंगे। 12th में हो, शहर से 75, गांव से 70, फटाफट आपको 8 हज़ार मिल जाएंगे। और ग्रेजुएशन यानी कि कॉलेज में हो, शहर से 70, गांव से 60, 8 हज़ार मिल जाएंगे। ऐसे ही जो है यहाँ पर सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन यहाँ पर जर्नल वालों को सिर्फ 10th बेस पे मिलती है, ये बात ध्यान रखना। तो ये एक छोटी सी कमी है। तो ये तो बात हो गई पैसों की, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि भाई 8, 9, 10, 11 और 12, ये 4 यहाँ पर फिगर हैं, इनमें कुछ भी मिल सकता है, किसी को 8, किसी को 12, किसी को 10, किसी को 9, तो इस तरीके से आपको मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, आपके बैंक अकाउंट में ये पैसे आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने लिस्ट दिखा दी आपकी स्क्रीन पर। फैमिली आईडी सबसे पहले ज़रूरी है भाई, फैमिली आईडी बनती है हरियाणा में, आपको पता होगा, आपके घर वालों से पूछ लो, आपको नहीं पता तो बन रखी होगी तुम्हारी, ठीक है। तो फैमिली आईडी सबसे पहले चाहिए।
उसके बाद तुम्हारी एक फ़ोटो चाहिए, लेटेस्ट फ़ोटो लगाना आपकी, ठीक है। ऐसे नहीं है कि बचपन की फ़ोटो लगा दो, लेटेस्ट फ़ोटो, और यहाँ पर सिग्नेचर तुम्हारे करवाएंगे एक जगह। उसके बाद तुम्हारा 10वीं बेस पे फॉर्म भर रहे हो तो 10वीं की सर्टिफिकेट, 12वीं के बेस पे फॉर्म भर रहे हो तो 12वीं 10वीं दोनों की, और कॉलेज के बेस पे भर रहे हो तो 10वीं 12वीं और कॉलेज तीनों की, समझ गए। यानी कि 10वीं वाला भर रहा है तो उसके पास 12वीं की कहाँ से होगी, तो वो 10वीं की देगा। 12वीं वाला फॉर्म भर रहा है तो उसके पास 10वीं की भी होगी 12वीं की, तो वो दोनों देगा। ऐसे कॉलेज वाला फॉर्म भर रहा है तो उसके पास तीनों होंगी, समझ गए, तो वो तीनों लगेंगी सर्टिफिकेट। इसके बाद आधार कार्ड और राशन कार्ड, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अभी तैयार कर लो, अभी बताऊंगा कैसे फॉर्म भरना है। उसके बाद बैंक अकाउंट कॉपी, भाई ये तो चाहिए ही, पैसे कहाँ पर आएंगे, कोई हाथ में थोड़ा ना पकड़ा के जाएगा पैसे, बैंक में आएंगे, तो बैंक की कॉपी भी चाहिए तुम्हारी, ठीक है। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट चाहिए भाई, कि 4 लाख से ज़्यादा पैसे तो नहीं आ रहे घर में, तो इसकी एक सर्टिफिकेट बनती है, वो बनवा लो। इसके अलावा डोमिसाइल चाहिए, इसके अलावा रेजिडेंट सर्टिफिकेट हो गई कि भाई हरियाणा से ही हो, इसके अलावा एक जो है आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, जैसे 10th जहाँ से की है, 12th जहाँ से की है, उसका आई कार्ड चाहिए। आई कार्ड नहीं है तो लिखवा लो वहाँ से, ठीक है। अब किसी की जो है फादर की डेथ हो गई मान लो, ठीक है, होनी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन हो गई बाई चांस, भाई हो गया अनफॉर्चुनेटली, तो उसकी सर्टिफिकेट भी वो लगा सकता है, उसको और भी पैसे मिल जाते हैं। हिंदी में भी देखना चाहो तो मैंने हिंदी में भी लगा दी हैं, स्क्रीन पर पढ़ सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पर क्या क्या आपको गलतियाँ नहीं करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं भाई फॉर्म भरा था तुमने, वीडियो बनाई थी, लेकिन स्कॉलरशिप नहीं आई। तो मैं पता करके आया हूँ आज कि फॉर्म रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं, सुनो ध्यान से। जैसे इन्होंने पहली कंडीशन लिख रखी है कि 4 लाख से इनकम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब मान लो तुम्हारी 4 लाख से कम है, ठीक है, तुम्हारी फैमिली आईडी में है जैसे मान लो 3,80,000। अब तुमने जो है जब फॉर्म भरने गए थे तो तुमने जो है फैमिली आईडी वाली नहीं लिखी, वैसे ही जो है फॉर्म भर रहे थे वहाँ पर इनकम का वो आया डब्बा, और तुम जो फॉर्म भरवा रहे थे जिससे उसने सोचा कि 4 लाख से कम भरना है तो कुछ भी भर देता हूँ, तो उसने भर दिया 3 लाख सिर्फ, तो नहीं आएगी भाई। जो है फैमिली आईडी में वही लिखो, ऐसे नहीं है कि 4 लाख से नीचे लिखना है तो कुछ भी लिख दिया, ठीक है। दूसरा, आप हरियाणा के ही होने चाहिए, जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर लेटेस्ट होना चाहिए, आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके अलावा इसमें देखिए यहाँ पर 10वीं कक्षा के बच्चे जो है सभी जातियों को इस स्कीम से जोड़ा गया है, यानी कि 10th क्लास तो सभी कैटेगरी जर्नल सब भर सकते हैं, लेकिन और जो कैटेगरीज हैं वो 12वीं में बेस पे भर सकते हैं, समझ गए। इसके अलावा जो है आगे यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है सभी गैर सरकारी और सरकारी स्कूलों को मिलती है, यानी कि प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो सबको मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये देख सकते हो। तो ओवरऑल यही है कि आपको फॉर्म भरते टाइम डिटेल सही डालनी है, गलतियाँ नहीं करनी है, गलती कर दोगे तो फिर दिक्कत आएगी। अब फॉर्म भरना कैसे है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऐसे ही बता देते हो, फॉर्म तो निकलते नहीं है। देखो ये आ गया मैं सरल पोर्टल पर, इस पर भी फॉर्म भरना है, ठीक है। सरल पोर्टल पर मैं आया, तुम्हें दिखाता हूँ फॉर्म निकले हुए हैं। अब जैसे ही नीचे चलेंगे स्क्रॉल करके, ठीक है, यहाँ पर देखो B.R. अम्बेडकर का नाम आएगा अभी स्कॉलरशिप का, वहाँ पर हम रुकेंगे। तो ये देखो ये आ गया, 16 नंबर पे दिख रहा है, अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, ये देखो आ रहा है तुम्हारे सामने अप्लाई का, इस पर क्लिक करके अप्लाई करना है। अब मेरे पास किसी की डिटेल होती तो मैं तुम्हें फॉर्म भर के भी दिखा देता, लेकिन मैंने दिखा दिया, अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, तो तुम यहाँ पर जो है फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई पे क्लिक करोगे, डिटेल्स भर के अपना फॉर्म भर सकते हो या फिर भरवा सकते हो, 100 रुपये लगते हैं, ठीक है। अटल सेवा केंद्र पे जाओगे तो वहाँ तो सिर्फ 10-20 रुपये लगते हैं, तो तुम अटल सेवा केंद्र पता करो अपने आसपास कहाँ है, हर ज़िले में होता है, और अटल सेवा केंद्र पर ही ये फॉर्म भरवाना है, ठीक है, तभी तुम्हारे जो है सर्टिफिकेट जो है सारी सही लगेंगी और फिर स्कॉलरशिप सही टाइम पर आ जाएगी, तो ये बात ध्यान रखो। तो ये थी आज की वीडियो, मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं, एक बार जल्दी से बता दूँ सिर्फ 1 मिनट में पूरा का पूरा। B.R. अम्बेडकर स्कॉलरशिप, 10वीं 12वीं कॉलेज सभी फॉर्म भर सकते हैं, 8,000 से 12,000 रुपये हैं। अटल सेवा केंद्र सरल पोर्टल पे फॉर्म भरना है, लास्ट डेट जो है वो फरवरी में है अगले साल, तो आराम से फॉर्म भरो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अभी फॉर्म स्टार्ट हुए 31 जुलाई से, यानी कि ये मान के चलो अगस्त से स्टार्ट हुए हैं अभी 1 अगस्त से, और फरवरी तक फॉर्म भर सकते हो, 28 फरवरी है या कुछ ऐसे डेट है, तो आराम से बहुत ज़्यादा टाइम है। लेकिन भाई लेट क्यों करना है, अगर तुम्हारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो अभी फॉर्म भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।